इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले डर्माडियो बेबी शैम्पू के बारे में। डर्माडियो बेबी शैम्पू का क्या है, कब इसको यूज़ करते हैं, कितने दिन यूज़ करते हैं, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंस डालेंगे और किस प्रकार काम करता है, इस शैम्पू को यूज़ करने का सही तरीका क्या है, इसको कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस शैम्पू को इस्तेमाल करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो डर्माडियो बेबी शैम्पू के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बन रही। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किया भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं डर्माडियो बेबी शैम्पू, जो कि हमारे पास बॉटल है जिसकी एमआरपी की बात करें तो उसकी एमआरपी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास शैम्पू है उसकी एमआरपी 125 यानी कि 125 रुपये करीब इसकी एमआरपी है। डर्माडियो बेबी शैम्पू को HNS यानी कि हेग्रे फार्मास्यूटिकल्स LLP कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। डर्माडियो बेबी शैम्पू के अंदर इंग्रीडियंट्स की बात करें तो इसके अंदर इंग्रीडियंट्स है डायसिल ग्लूकोसाइड्स, कोको ग्लूकोसाइड्स, लॉरेल ग्लूकोसाइड्स, ग्लिसरीन्स, जाइलो ग्लूकोसाइड्स एंड हाइड्रोऑक्सी जाइलोटिल्स एंड जाइलोटिल्स इसके अंदर डाले गए हैं। डर्माडियो बेबी शैम्पू एक सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री और नो टीयर शैम्पू है। डर्माडियो बेबी शैम्पू एक जेनेटिक क्लींस करता है बेबी के स्केल्प और हेयर को। डर्माडियो बेबी शैम्पू इको फ्रेंडली विथ नेचुरल कंडीशनर्स बेबी शैम्पू है। डर्माडियो बेबी शैम्पू का यूज़ के बारे में बात करें, उसका इस्तेमाल यानी कि इसके अंदर जो डायसिल ग्लूकोसाइड रहता है वो एक हल्का गैर आयनिक सर्फेक्टेंट रहता है और इसके अंदर कोको ग्लूकोसाइड रहता है जो प्राकृतिक सर्फेक्टेंट जो नारियल से प्राप्त होता है। लॉरेल ग्लूकोसाइड स्टार से व्युत्पन्न कर्नेल तेल सफाई प्रक्रिया में सुधार करता है। इसके अंदर जो ग्लिसरीन रहता है वो सूखी खुरदरी पपड़ीदार और खुजली वाली त्वचा का इलाज करने या रोकने के लिए एक मॉइस्चराइजर के रूप में काम करता है। इसके अंदर जो जाइलोटी ग्लूकोसाइड्स और एनहाइड्रोक्सी जाइलोटिल्स और जाइलोटी रहता है जो बेहतर स्टोर और नमी बनाए रखने में मदद करता है। डर्माडियो बेबी शैम्पू बेबी के सूखी खुरदरी पपड़ीदार और खुजली वाली त्वचा का इलाज करने के लिए एक मॉइस्चराइजर के रूप में काम करता है। डर्माडियो बेबी शैम्पू बेबी के क्लींस करता है स्कैल्प और हेयर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस शैम्पू को यूज़ करने से बेबी के हेयर्स स्मूथ और सॉफ्ट होंगे। डर्माडियो बेबी शैम्पू को यूज़ करने का तरीका बताएं तो ये शैम्पू को आप नॉर्मल शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वैसे ही शैम्पू का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि थोड़ी सी क्वांटिटी में डर्माडियो बेबी शैम्पू को लेने का और इसको स्कैल्प पे लगाने का और इसको 1 से 2 मिनट तक मसाज करने का, बाद में इसको वॉश कर देने का, यानी कि नॉर्मल शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वैसे ही शैम्पू का इस्तेमाल किया जाता है। और इस शैम्पू का इस्तेमाल अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। डर्माडियो बेबी शैम्पू को यूज़ करने के पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर या कॉस्मेटिक्स डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में शैम्पू का इस्तेमाल करें। अपने मन से डर्माडियो बेबी शैम्पू का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो डर्माडियो बेबी शैम्पू के बारे में कुछ भी डाउट तो मैं कमेंट सेक्शन बताई अथवा डिस्कशन में ईमेल आईडी दिए वहाँ पर बताएं। डर्माडियो बेबी शैम्पू का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज और नॉलेज के लिए था। कोई भी मेडिकेटेड शैम्पू का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।